गाइज आज मैं ट्राई करने वाला हूँ द वर्स्ट रेटेड फूड प्लेसेस के खाने। नहीं, मुझे अपना पेट खराब कराने का शौक नहीं है, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा। तो सीन ये है, मैं ना कुछ बेकार रेटेड प्लेसेस ढूंढूंगा, वहां पे जो कस्टमर्स ने उनके बारे में रिव्यूज छोड़े हैं उनको पढ़ेंगे एंड विल सी वो सही में इतने बेकार है क्या। साउंड्स फन ना, मतलब मेरे पेट के लिए तो नहीं बट मजा आएगा, चलते हैं भाई। एंड बस ठीक है, पेट खराब नहीं होना चाहिए आज। मैं ना अभी एक ऐसे कैफे में आया हूँ जो कि एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है। सही में भाई, इंस्टाग्राम पे ना यहाँ की वाइब मैंने चेक की थी, मजेदार। बट इनकी जोमैटो की रेटिंग पता है कितनी है? 2.8। सो आई प्रेजेंट टू यू सम ऑफ द रिव्यूज। डायना मैडम कहती हैं, हैड अ बैड एक्सपीरियंस, स्टाफ वॉज वेरी क्लमजी एंड नॉट अटेंटिवनेस। Okay. The time from ordering the food to getting the items were too much. We had to remind the staff multiple times. They even got our order wrong as we had specifically ordered veg pasta and they served us non-veg chicken pasta. भाई अगर ये मेरे साथ हो गया ना, मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। The only thing good about this cafe is their ambience. LOL. मैंने तुम्हें बोला था ना, इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर्स देख के आया हूँ। जितेश माय फ्रेंड कहते हैं, इट्स जस्ट ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम बट नॉट एट ऑल वर्थ गोइंग। इट डज नॉट हैव रिजर्वेशन पॉलिसी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉर हु बेस्ड विद द गेस्ट विजिटिंग द प्लेस। समझा नहीं यार मैं। एनीवे, दे मेक यू वेट आउटसाइड इन 40 degrees विदाउट सर्विंग वाटर एंड डोंट लेट यू इन इवन इफ द टेबल्स आर एम्प्टी। पुअर सर्विस, ओकेश फूड, टेरिबल एक्सपीरियंस। वैसे 40 डिग्रीज तो नहीं हो रहा बाहर अभी, बाहर दिल्ली में कुछ 20-22 डिग्री है, तो चलो 40 डिग्री से तो मैं बच गया। एनीवे देखो यार, मुझे तो इन लोगों ने कहीं भी वेट नहीं करवाया। इनफैक्ट जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ वो भी जगह इन्होंने अच्छे से साफ कर दी, बिकॉज मेरे ऊपर एक ट्री है, वहाँ से बहुत सारे पत्ते नीचे गिर गए थे। एंड ऑल्सो जो मुझे पानी देने आए थे ना, वो मुझे पहचान गए फ्रॉम YouTube। तो यार अब तो थोड़ी बायसनेस हो गई, अब तो सर्विस अच्छी मिलेगी। एंड हाँ, मैं ना इनका वेज पास्ता ऑर्डर कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि मुझे वेज पास्ता ही मिलता है या फिर यू नो व्हाट आई मीन। ए फ्यू मिनट्स लेटर, थैंक यू, चेक दिस आउट, दिस इज स्पाइसी पोमोडोरो एंड रिकोटो पास्ता। और इन्होंने ना ये मुझे 8-10 मिनट में सर्व कर दिया, तो सर्विस टाइम तो देखो ठीक ही है। ओके, लेट मी ट्राई इट। बहुत गर्म है, वन मोर ट्राई। ऑनेस्ट रिव्यू, ये पास्ता अच्छा है यार, नॉट दैट बैड, मतलब मुझे मसालेदार लगा एंड आई थिंक आई एम एंजॉइंग ईटिंग दिस। गार्लिक ब्रेड भी आई है, और गार्लिक ब्रेड का सीन चेक करना, दिस इज सो कूल। भाई मेरे हिसाब से तो अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ऑल्सो मैंने वेज पास्ता ऑर्डर किया था और मुझे वेजी पास्ता मिला है, चलो वहाँ तो ये बच गए। ये है भाई इनका एवोकाडो टोस्ट जो कि दिखने में बहुत एपेटाइजिंग लग रहा है, और ये मैंने ऑर्डर पता है क्यों किया? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े थे कि ये एवोकाडो टोस्ट बहुत बेकार है। सो लेट्स पुट इट टू टेस्ट। ऑनेस्टली इट्स ब्लैंड, इसमें से ना कोई फ्लेवर नहीं आ रहा। सही में मैं इसको ना रेट करूँगा 3/5, मतलब इट्स नॉट बैड बैड बट हाँ इट्स ब्लैंड, फ्लेवरलेस। नाउ टाइम फॉर द वर्डिक्ट। देखो भाई, एम्बियंस तो मस्त है जगह का, और मुझे पास्ता भी इन्होंने वेजी सर्व किया है एंड स्टाफ भी रूड नहीं है यार, और जगह भी मुझे मिली गई है। तो आई एम गोना रेट दिस प्लेस 4/5, मतलब एक्सपेंसिव है फॉर श्योर बट 4 तो बनता है यार 5 में से। तो मेरा तो ये सीन है, बाकी इस टोस्ट को खत्म करता हूँ एंड देन ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट। मैं आया हूँ अभी टंकुश पे, मैं आया हूँ अभी टंकुश के पास। टंकुश एक्चुअली एक फूड बस है और उसकी रेटिंग है 2.4, और अरीशा जी का कहना है कि अरीशा नहीं आर्शिया, प्लीज ईट एट होम नॉट हेयर। दे टुक इटर्निटी टू ब्रिंग अस टू पराठास, द वेटर्स वर अंडर सम इन्फ्लुएंस, इनकेपेबल ऑफ हियरिंग और पेइंग अटेंशन। The owner was least bothered. The worst part, after such a long wait, the food was pathetic. No spice, not even salt in the parathas. ऐसा क्या? Without sugar tea, as if this is a bloody five-star. भाई साहब, do not go. I repeat, do not go. मैं आपकी बात नहीं मानने वाला. Okay, ये वाला review देखो. Why can't we rate 0 stars? They serve you chicken roll when you ask for veg roll and they don't even accept their mistake.
इंस्टेड ब्लेम यू फॉर क्रिटिसाइजिंग देयर फूड. एकदम बकवास सर्विंग एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट बात करने की तमीज नहीं है वर्कर्स को. ओके लेट्स फाइंड आउट. भैया वेज रोल है. गाड़ी में नहीं गया था. वेज रोल. तुम इतने साल हो जा रहे तेरे को क्या सीखा तूने? अचार गाड़ी में दिया जाता है कि टेबल पे? भैया वेज रोल दे दो एक. वेज काठी. हाँ एक वेज काठी रोल लगा दो और एक आलू पराठा. भाई पहले दो मिनट तो भैया मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे. मुझे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया यार. एंड मैंने ऑर्डर किया है वेज काठी रोल और आलू पराठा. ये दो चीज़ें ऑर्डर की हैं. नाउ वेटिंग फॉर द फूड. वैसे इनके पास में ना ये चेयर्स लगी हुई हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, बट यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं तो आराम से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के इंजॉय करेंगे. A few minutes later. हाँ जी हाँ जी थैंक यू. भाई द फूड इज हेयर. ये है इनका वेज रोल, भर भर के कलर डाला हुआ है. वेज है, चिकन पता नहीं चल रहा. सामने आलू का पराठा है, अमूल बटर भी है भाई देख लो. तो ये सीन है. और मैंने ना एक रिव्यू में पढ़ा था कि यहाँ के लोग किसी ना किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में होते हैं. सच बताऊँ जब मैं वहाँ पे गया था ऑर्डर दे रहा था वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे. पता नहीं क्या बातें कर रहे थे वो आपस में. एंड फिर अभी जब ऑर्डर देने आए मैंने उनकी आंखों में देखा भाई मुझे पक्का लग रहा था भैया सेट बैठे हैं सही में. तो वट एवर इट इज़ भाई हमें हमारा खाना मिल गया. ठीक है तो रोल से शुरू करते हैं. भाई ये ना देख लो दबा के ऑयली वॉयली है और भर भर के इसके अंदर कलर डाला हुआ है. पता नहीं यार ये एडिबल है भी या नहीं. लेट मी. ओहो मेरा पूरा हाथ रेड रेड हो गया यार. अरे बाप रे क्या नहलाया हुआ है भाई तेल के अंदर. लेजिट तेल का फ्लेवर आ रहा है यार. और ऐसा लग रहा है पराठा जला दिया है सही में. इतना ज़्यादा नमक यार इसमें. भाई पराठा ट्राई करता हूँ. पहले ना इस पर डाल लेते हैं बटर. बस बहुत है. नाउ लेट्स टेक राइट इनटू इट. पराठा सही है बट इस पराठे के साथ अगर मोमो चटनी दे देते ना ओहो मज़ा आ जाता. बढ़िया कॉम्बो है. पराठा इज गुड. नाउ टाइम फॉर द वर्डिक्ट. देखो भाई सर्विस तो इनकी ठीक ठाक थी. टाइम पे खाना आ गया था. ठीक है मुझे थोड़ा इग्नोर किया बट चलो उतना चलता है. एंड पराठा ठीक था. रोल तो बिल्कुल ही खाने लायक ही नहीं था. एंड मैं ना इस जगह को जितने रिव्यूज़ इनके जोमेटो पे हैं उतना ही देना चाहूँगा सही में. मतलब एम्बियंस एम्बियंस तो नहीं है, छोटी सी फूड कार्ट है तो ये सीन है. सही बताऊँ ये एक्चुअली वर्स्ट रेटेड जगह में ठीक जगह पोजिशनड है तो ये सीन है. वैसे एक जगह मैंने और शॉर्टलिस्ट कर रखी थी बट मेरा पेट इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा भर जाएगा. मतलब अभी भरा पड़ा है. सो आई एम गोना गो घर चलते हैं और फिर घर पे कुछ ऑर्डर करते हैं. भाई योर बॉय इज होम. और एक अपडेट देनी है कि मेरा पेट अभी तक तो ठीक है बाकी आगे का पता नहीं. वैसे मैं जब भी घर आता हूँ ना मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि भाई अब तो कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा. बट वो कलर वाला रोल खा के ना उम्मीदें थोड़ी मेरी. अब देखो डिनर तो करना ही है तो मैंने एक डिलीवरी आउटलेट ढूंढा है जिसका नाम है पिज्जा ऑफ पेरिस और इसकी रेटिंग है 2.2. मतलब 2.2 यार ये तो लोएस्ट है आज पूरे दिन की. जिंदगी का सबसे घटिया पिज्जा खाया हूँ 1 star. पुअर फूड क्वालिटी 1 star. अमृत भाई कुछ नहीं कह रहा उसने बस 1 star की रेटिंग दी है. तो ये सीन है भाई. मैंने भी मन बना लिया कि मैं एक वेज पिज्जा ऑर्डर करूंगा एंड लेट्स फाइंड आउट क्या सीन है भाई पिज्जा ऑफ पेरिस का. दिस इज व्हाट आई गॉट. भाई पैकेजिंग देख के तो मामला 2.2 वाला ही लग रहा है. ओके नाइस भाई इन्होंने साथ में 2 केचप भी भिजवाई है एंड 2 ऑरिगैनो 2 चिली फ्लेक्स. ओके द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. वो ये 2.2 रेटेड पिज्जा है. होल्ड ऑन भाई दिस लुक्स नॉट बैड. इन्होंने देखो पिज्जा को काटा कैसे है और इसके ऊपर चेरी टमाटोज भी हैं. बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई खुशबू बढ़िया आ रही है इसमें से. चेक दिस आउट
भाई लग भी रहा है मुझे इन्होंने अपना पिज्जा बेस खुद ही बनाया है, और ट्राई मार के देखते हैं। वो जो फन फूड वाली पिज्जा सॉस होती है ना, वो इन्होंने इस पर लगाई हुई है, और ना चीज थोड़ा हार्ड हो गया। मतलब हो सकता है भाई कि ऑर्डर दूर से आया, डिलीवरी में आया तो इसलिए हो गया हो, बट इतना बुरा भी नहीं है यार। थोड़ा सा भाई ओरिगैनो भी इसके ऊपर डाल देता हूँ। ओके, नॉट बैड। इसके अंदर उन्होंने लिक्विड चीज भी डाला हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पिज्जा 1 तो डिजर्व नहीं करता, एटलीस्ट दिस डिजर्व 3/5। बस हाँ, टॉपिंग थोड़ी कम डाली हुई है, वो थोड़ी ज्यादा डाल देते तो मजे आ जाते। और आई डिजर्व अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना, कर दिया करो भाई लाइक, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।